मैं नीतीश सिसोदिया आपके बीच आया हूँ, आपके बीच अरविंद केजरीवाल जी का एक मैसेज लेके आया हूँ, एक विनती लेके आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कोटकपूरा हल्के के सभी भाइयों बहनों को, पूरे पंजाब को, सभी भाइयों बहनों को, सबको एक सारे लोग विनती की है कि आपने अकालियों को मौका देके देख लिया, धोखा दिया, उन्होंने नशे की राजधानी बना दिया पंजाब को। आपने कांग्रेसियों को मौका देके देख लिया, बेईमानी इतनी की सारा लूट लिया, सारा रेता चोरी करके 100 करोड़ रुपए खा गए, 150 करोड़ रुपए खा गए। जब लोगों ने पूछा भाई चुनाव आने वाले काम कहाँ है, तो बोले हमारा कैप्टन भाग गया, हमारे हाथ में नहीं है, कैप्टन चला गया हमारा। तो आपने अकालियों को मौका देके देखा, आपने कांग्रेस वालों को मौका देके देखा, एक बार अरविंद केजरीवाल जी को, एक बार झाड़ू वालों को मौका देके देखो, अगले 5 साल में आप देखेंगे ईमानदार सरकार क्या होती है, काम करने वाली सरकार क्या होती है। अकालियों को देख लिया, कांग्रेस वालों को देख लिया, एक बार भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना के देखो, आपको लगेगा कि क्या सरकार काम करती है, ईमानदारी से काम करने वाली सरकार। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है पंजाब दे विच वख-वख आर्थिक जोन बनाए जाएंगे, तो जिहड़ा पंजाब दा जिला मोहाली है इनू आईटी दा हब बनाया जाएगा, नाले पंजाब दे लोकां नू रोजगार मिलूगा। प्रबल टीएमटी सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक, जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बणिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर 1 सरिया, अ प्रोडक्ट ऑफ सालसन स्टील्स। 10 साल हो गए काम करदे नू, पर हले तक नौकरी पक्की नहीं हुई। ओ इस बार भाजपा गठबंधन नू वोट पाओ, तुहाडी सारयां दी नौकरी पक्की हो जाणी है। भाजपा गठबंधन नू जे भाजपा आऊगी, सारे सफाई कर्मचारियों की नौकरी जमा ही पक्की हो जानी है। ओए उन्हां दा इरादा है सच? हाँ, फिर तो मेरी वोट भी बीजेपी गठबंधन नू पक्की सर। दिल्ली वालों ने एक बार मौका दिया था झाड़ू वालों को, अरविंद केजरीवाल जी को, 5 साल में इतना काम किया जितना 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाए थे कभी। आज दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों से लोग बच्चे निकाल निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं। दिल्ली की कॉलेज की एजुकेशन इतनी शानदार हो गई, अब दिल्ली वालों को अपने बच्चे वहां भेजने नहीं पड़ते कि कनाडा भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को मौका दो, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को भूल जाएंगे पंजाब वाले, पंजाब का एजुकेशन सिस्टम कनाडा से बढ़िया करके दिखाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। एक बार मौका दो, सबको मौका दे के देख लिया। आज पूरे पंजाब में हर जगह यही चर्चा है, एक मौका झाड़ू वालों को देके देखना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान को देके देखना है। लास्ट में एक और गल कहनी है, ये अभी मुझे पत्रकार कह रहे थे कि जी बहुत पैसे बांट रहे हैं कांग्रेस वाले भी बांट रहे हैं, अकाली वाले भी बड़े पैसे बांट रहे हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार के पैकेट घरों में पहुंचा रहे हैं, किसी को 2 हजार पहुंचा रहे हैं। जो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे विनती है कि अगर ये कांग्रेस वाले और अकाली वाले पैसे देने आए ना तो ले लेना, मना मत करना, इनके पीओ का पैसा थोड़ी है, सरकारी खजाने का पैसा था जो लूट के ले गए थे, लेकिन वोट जरूर पे डालना। अगर ये पैसे लेके आए तो पैसे ले लेना, लेकिन वोट झाड़ू पे डालना, क्योंकि झाड़ू वालों को वोट पड़े हुए वोट आपको आपके बच्चों के स्कूल दिलवाएगी, आपके बच्चों के कॉलेज दिलवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, इनको वोट पे डालना। ये पैसे लेके चले गए, जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं स्कूल बनवाऊंगा, जब कहते हैं मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, जब कहते हैं मैं बिजली फ्री करूंगा, तो ये कहते हैं कांग्रेस वाले और अकाली वाले पैसे कहां से आएंगे। अब की बार कोई 5 हजार रुपए 2 हजार रुपए अकाली वाला लेके आए या कांग्रेस वाला आए कि वोट मेरे को दे देना, तो उससे पूछ लेना ये पैसे कहां से आ गए, ये पूछते पैसे कहां से आएंगे। हम पूछेंगे तुम्हारा हेलीपैड बन रहा घरों पे, वो पैसे कहां से आ गए। बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है, असी हर जिले च नशा मुक्ति केंद्र खोलांगे, ते सब नु रोजगार दे मौके भी देंगे, मतलब हुन मिलेगा साडे बच्चों नु अच्छा माहौल। प्रबल टीएमटी सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक, जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बणिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर 1 सरिया, अ प्रोडक्ट ऑफ सालसन स्टील्स। मैं सुनिया सी प्रीतम दी सेहत खराब है,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਗਏ? हमारा सरकारी खजाना खाली कर दिया इन्होंने, पैसे लूट लूट के लूट लूट के, और अब चुनाव के समय में 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए देके वोट खरीदना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं यही विनती करना चाहता हूं आपको, इनके खरीदने में मत आना, इनके झांसे में मत आना। अरविंद केजरीवाल को एक मौका देके देखो, ये 2-5 हज़ार का हर महीने 10-15 हज़ार का फायदा तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने पे, भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने पे अपने आप होने लगेगा। हर घर को 10-15 हज़ार का फायदा होने लगेगा। बस 20 तारीख को झाड़ू पे बटन दबाना, एक मौका केजरीवाल जी को देके देखना। भारत माता की जय। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, दूर दूर तक दुकानों में खड़े हैं, आप सब में से हो सकता है कोई अकाली का कार्यकर्ता होगा, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, हो सकता है किसी कारण से आप पार्टी ना छोड़ रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 20 तारीख को वोट डालते वक्त कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रहना, वोट झाड़ू पे डालना, क्योंकि अकाली वाले और कांग्रेस वाले आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं बनवा सकते, वो तो झाड़ू वाले ही बनवा सकते हैं। झाड़ू वाले ही अस्पताल बनवाते हैं, झाड़ू वाले ही कॉलेज बनवाते हैं, झाड़ू वाले ही स्कूल बनवाते हैं। स्कूल चाहिए ना, तो अकाली वाले भी सारे इधर ही वोट डाल देना झाड़ू पे ही, वोट उनका पर्चा उनका उठा के घूमते रहो चाहे।